दीजिए, और ये लग गई पीछे पीछे पीछे। हेलो गाइस, तो स्वागत करते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है दशहरा, तो दशहरे पर हम कुछ खास करने के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार करने वाले हैं। तो धमाकेदार करेंगे तो फिर उसके लिए हमको कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत करेगी तो हम दशहरे पर बनाएंगे रावण को बनाएंगे। रावण बनाने के लिए हमको सामग्री चाहिए, और जो जो हमको सामग्री चाहिए वो हमको एक देसी तरीके से बनाएंगे हम उसको। तो सबसे पहले तो हम रावण को बनाने के लिए फूस लेकर के आएंगे। फूस लेने के लिए हमको खेत पर जाना पड़ेगा। खेत पर जाकर क्या है कि वो धान कट चुके हैं, तो धान का फूस उसमें यूज करेंगे हम। तो अपन अभी निकलते हैं सामान लेने के लिए रावण बनाने के लिए। चलो जल्दी फटाफट। अरे लकड़ी, हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। बाबू भाई किधर जा रहे हो? जा रहे कोसी छाका। कोसी छाका है? ये कहाँ है? भैंस लेने आ रहे हैं वो। ऑल द बेस्ट। खरीदो भैंस? लात गई यार। भैंस लात गई आपकी, तो दूध नहीं पी पा रहे होंगे आप। बोधे हो चुके आप, रो क्यों रहे हो? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई नहीं, अभी हम जाते हैं सामान लेने के लिए। रावण बनाएंगे इसका दो पूरे में। और गाइस, रावण बनाने के लिए हम यहाँ से लेकर के जाएंगे फूस। उधर साइड में धान की पिटाई चल रही है, तो वहाँ से लेकर के जाना है अपने को फूस। तो गाइस, फाइनली हमको फूस मिल चुका है। फूस हमने ले लिया, एक बाबा थे उनके खेत में से जाकर के उनसे पूछ करके लिया है, क्योंकि मगर जो है ना ये फूस अब इस टाइम इसकी सोने के बराबर कीमत है। अच्छा, सोने से भी महंगा बिक रहा है ये फूस। सूरज क्या बोलते हो? शॉक्ड हो गए सूरज तो। अब पूरी रात अब हम किसी को काय कर रहे हो, इतना सभी माल बहुत किसी को बताने का नहीं है, है ना? अच्छा, अब पूरी रात हम अब फूस चुराया करेंगे, है ना? मस्त प्लान है। तो सूरज सूरज क्या इतना सा भी गिरा दिया था, बहुत महंगा जाएगा। ये तो कम से कम 2 लाख का गिर गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो अनमोल तू बता, चुराएगा? अब हम मालदार हो जाएंगे। अब हम मालदार बनेंगे। चल चलते हैं गाइस घर। घर पर चलते हैं, अपने कलाकारी दिखाएंगे, रावण बनाएंगे। रुक जाओ, अभी बैठा नहीं। तो चलते हैं, चलो। और गाइस, फाइनली अब घर पर पहुंच चुके हैं फूस लेकर के। अब बनाएंगे रावण, तो फूस को रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब फूस से खुजली खुजली सी हो गई है। हमारा बड़े पापा है ना, ऐसा हाल कर देंगे दुकान पे लगाए टाइम पे, तो सोच ही ना होगी किसी ने। अब ये बोल रहा है अपने को पापा पीटेंगे। ऐसा होता है क्या? चल झूठा। तो गाइस देखिए, जो अभी सूरज ने जो है रावण की सेफ तैयार की है, ऐसी सेफ में रावण बनेगा। उसका स्केलेटन है, ये पूरा कंगाल तंत्र टाइप का बना दिया है अभी। एक तो इस पर हम जो अपनी वो करेंगे कलाकारी। ये देखिए, ये चमक चलो चैन छबीली। अब ये पछताएगा बस, ये फंस गया सी है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि देखिए ज्यादा खास नहीं है। अबे ये रावण बना रहे हो या बेड बना रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और गाइस, अनमोल अभी करेगा रावण की तरह एक्टिंग, करके दिखाओ। चाबू दिखा यार। ये रावण की तरह एक्टिंग है, ये रावण की तरह एक्टिंग है। की करेंगे ये रावण की तरह। वाओ, ब्यूटीफुल गाइस, हम पे तो हुई नहीं एक्टिंग रावण की। अब भैया करके दिखाएंगे, भैया करके दिखाओ। ये कोई एक्टिंग है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हग दिया। क्या बोला तूने? हग दिया। बोला वरना को कैसे लगा तू? ऐसे राव साव है ना, सब ना चले जाओ। बड़े बड़े वो तो है का आईफोन खरीदे, कोहरा है एक पयाम है। तुम तो आईफोन खरीदो। हमारी बेइज्जती हो गई गाइस, हम आईफोन नहीं खरीद सकते, हम गरीब आदमी है ना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गाइस, हम अपने ब्लॉग को कुछ खास करने के लिए हम एक और करेक्शन करने जा रहे हैं। तो फिर करेक्शन में होगा कुछ ये कि मैं बनूंगा राम, सूरज बनेगा लक्ष्मण और अनमोल बनेगा सीता। सही पकड़े हैं। अनमोल बनेगा सीता जी, तो ये हमें हमारी धर्मपत्नी सीता मेरी भाभी भाभी राम हमारी धर्मपत्नी
हमारी देवी ऐसे कैसे बोल रही हैं, देखिए भाभी जी लात मार रही हैं। तो गाइस हमने रावण की ड्रेस देखो ऐसे बनाई है, देखो देखो ऐसे भैया ने पहनी हुई है, आप देख सकते हैं। कुछ दुनिया में अलग है और कुछ नया है। जनता माफ नहीं करेगी। ये लग रहा है ये रहा रावण। अभी इसकी हम अभी इसमें और कलाकारी दिखाने को जा रहे हैं, कलाकारी हम कुछ इस कलर दिखाएंगे, आप देखते रहिए। और गाइज फाइनली अब हमारा रावण बनके तैयार हो चुका है। देखिए रावण हमारा कुछ इस कदर दिखेगा। कमेंट करके बताइए कि रावण कैसा लगा आपको। 2 घंटे की मेहनत करने के बाद में हमारा रावण तैयार हो पाया है। 2 से ज़्यादा टाइम हो चुका है यार। हाँ 3 घंटे लगभग लग चुके हैं, 3.5 घंटे करीब। तो 3.5 घंटे की मेहनत के बाद हमारा रावण तैयार हो चुका है। तो हमारा रावण बहुत ही यूनिक और एकदम सबसे ही आउटस्टैंडिंग है, एकदम सबसे अलग है। देखिए रावण हमारा। तो गाइस देखिए कितना बहुत ही भयंकर मौसम हो चुका है आज का। आज का मौसम देखकर आप देखिए आप हम तो रोने ही वाले। और सूरज सूरज मौसम के बारे में क्या हालचाल। गाइस हमारा रावण कितने जा रहा है, देखिए रोना आ रहा है तो। गाइस हमारा रावण देखिए कितना स्माइल देता हुआ, क्या स्माइल दे रहा है। हमको तो लगता है गिरना चाहिए कहीं यार, इतनी तेज आंधी आ चुकी है। देखिए बगुले उड़ उड़ कर जा रहे हैं, धूल उड़ रही है चारों ओर। अब क्या किया जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि बारिश आकर के हमारा रावण गीला हो गया तो फिर हम रावण को कैसे आग लगाएंगे, फिर हमारा रावण सील जाएगा। ज्यादा ही ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ये तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया हम लोगों ने यार। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो देखिए भाई बादल, देखिए बादल कितने भयानक, कितने भयंकर, कितने ही बहुत ही ज्यादा बहुत भयंकर बादल हो चुके हैं आज गाँव में। और फ्रेंड्स आंधी आने के बाद में तुरंत बाद ही तगड़ी बारिश आ चुकी है और देखिए क्या ही पानी भर गया हमारे पूरे मोहल्ले में। हमारे गांव में काली की यात्रा निकल रही थी, उसमें भी दिक्कत आ गई और वो हमारे यहां पर ही बैठे हुए हैं अभी और उनके जो मुकुट को सेट कर रहे हैं क्योंकि वो भीग ना जाए बारिश के पानी से। तो बीच बारिश से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ गई है, रावण भी भीग चुका है। और गाइस बारिश से पूरा काम ख़राब हो गया। हमारे यहां पर बड़े मंदिर पर एक रावण आया था बड़ा वाला, वो भी टूट चुका है आंधी से और हमारा रावण तो जो है बच गया। अब हम उसको कुछ देर में को जलाएंगे तो कुछ ही देर में करेंगे अपना प्रोग्राम सेट। गाइस हम अपने ब्लॉग को कुछ खास करने के लिए सबसे ही अलग करने के लिए पहुंच चुके हैं अपने घर से 1 किलोमीटर दूर कोठी पर। हमारे यहाँ पर एक मतलब खेतों बहुत दूर है, खेतों पर एक जगह है कोठी, तो वहाँ पर आए हैं अपने रावण को जलाने के लिए। देखिए ये रहा रावण पीछे की तरफ। और अब हम इसमें पहले बॉम्ब फिट कर लेते हैं जो, तो देखिए हम अपने एक बल्ब को लेकर आए थे और यहाँ पर छोटू प्रशांत नहीं प्रशांत नहीं विशाल अनमोल और सूरज हीरा और मीठा आए हुए हैं, सारे के सारे आए हुए हैं तो आया नहीं है। और देखिए बॉम्ब इसमें लगा दिए कुछ इस कदर। अब इसकी बॉडी जितनी भी बॉडी में इसकी पावर थी या सबरी की सबरी नष्ट होने जा रही है आराम से। और देखिए चारों ओर का माहौल कुछ ऐसा है, रात के अंधेरे में आए हुए हैं और टाइम हो रहा है। अब टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं, अब रात के 7:30 बज रहे हैं। एक काम करते हैं, हल्की हल्की मट्टी मट्टी चढ़ाए थे यहाँ पे, मतलब नीचे अरे स्पेशल बात तो हमने बताई नहीं, हनुमान जी के सामने फोड़ रहे हैं हम इसको। और हाँ गाइज अभी हम दिखाते हैं यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है, घने जंगल में आया घने। और गाइज देखिए आप देख सकते हैं रात में किए जा रहा है ब्लॉग शूट अपना। अब रावण को हम लगाएंगे, दहन करेंगे और यहाँ पर पास में हनुमान जी का मंदिर है, जय बजरंगबली। और चलते हैं रावण की तरफ, तो चलो अरे लग गई पीछे पीछे पीछे। मैं जूम करके दिखाता हूँ, जूम मत करो। और ये भैया जाते हुए और दोस्तों आखिरकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई, जय श्री राम। और गाइस हम जिस काम को करने के लिए आए थे वो काम हो चुका है और रावण का भी काम तमाम हो चुका है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हुए निकलते हैं घर की तरफ, घर पर भी निकलते हैं, भूख लग रही है बहुत ही तेज, खाना वाना खाएंगे। और इस ब्लॉग को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।